हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब 2,70,00,000 या 80,00,000 आबादी हमारी पुलिस कितनी है? संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि हरियाणा के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, हर नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का ये बयान संविधान की उनकी शपथ के खिलाफ, उनके पद की प्रतिष्ठा के खिलाफ और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती है, यानी सरकार प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है, इसका सीधा मतलब ये कि वो अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं, उनको तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस वक्त प्रदेश एक बेहद गंभीर परिस्थिति से जूझ रहा है। हरियाणा में कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण नहीं बिगड़ा, आपसी भाईचारे से हम सदियों से रहते आए हैं, लेकिन जिस तरीके की घटना नू और मेवात के इलाके में हुई और उसके बाद कई और जिलों में हरियाणा के कुछ कुछ घटनाएं देखने को मिली, उससे ये साफ संदेह जाता है कि ये किसी प्रकार की राजनीतिक साजिश तो नहीं। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का बयान आया तो मुझे स्मरण हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जी ने 26 अक्टूबर 2014 को और 27 अक्टूबर 2019 को जब मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी तो उन्होंने हरियाणा के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वायदा भी किया था। लेकिन आज संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि हरियाणा के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, हर नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी का ये बयान संविधान की उनकी शपथ के खिलाफ, उनके पद की प्रतिष्ठा के खिलाफ और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती है, यानी सरकार प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है, इसका सीधा मतलब ये कि वो अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं, उनको तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा को धार्मिक या ये कहें सांप्रदायिक दंगों में फेंकने की एक सुनियोजित साजिश की जा रही है, उस तरफ धकेला जा रहा है पूरे प्रदेश को, ऐसी अगर कोई गतिविधि वहां पर होनी थी जिसकी कि कल हमने देखा कैमरे पे इंटेलिजेंस के अधिकारी वहां के ये कह रहे हैं 10 दिन पहले इसकी सूचना दे दी थी कि यहां पर कुछ भी गलत हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, उसके बावजूद गृह मंत्री विज साहब कल ये कहते हैं कि सीआईडी की कोई पूर्व इंटेलिजेंस उनके पास नहीं थी। 2020 में सीआईडी के अधिकार को लेकर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच जिस तरीके का विवाद हुआ वो पूरे प्रदेश ने देखा था। तो क्या ऐसी संभावना है कि सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है और गृह मंत्री को सीआईडी की सूचनाएं नहीं दी जाती या नहीं दी गई? क्योंकि सीआईडी कह रही है कि हमने तो पूर्व सूचित किया था, गृह मंत्री कह रहे हैं हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। तो क्या सीआईडी सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए काम करती है और उनकी सूचनाएं जो कि गंभीर श्रेणी में आती हैं उनको गृह मंत्री के साथ और पुलिस विभाग के साथ समय रहते साझा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई और जिसकी वजह से प्रदेश का माहौल बिगड़ा? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस उपलब्ध नहीं है, हरियाणा में पुलिस कर्मी नहीं दिया जा सकता। तो हम मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक
75,186 स्वीकृत पदों में से इस वक्त सिर्फ 49,808 पद भरे हैं। 25,000 से ज्यादा पद इस वक्त पुलिस विभाग में हरियाणा के अंदर खाली हैं। क्या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि उनकी वजह से, पुलिस फोर्स की कमी की वजह से हरियाणा प्रदेश में बार बार कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है? क्या मुख्यमंत्री जी इसकी इसका संज्ञान लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि प्रदेश में नौकरी देना नहीं देना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, और ये सारी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है अगर पुलिस की कमी की वजह से, तो साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, गृह मंत्री अनिल विज जी समेत पूरी सरकार इस परिस्थिति को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसलिए तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो सक्षम लोग सरकार चला सकते हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए।